जय गौ माता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गुरु पूर्णिमा और गाय का विशेष संबंध है? गाय जैसे तो पूरे ब्रह्मांड के गुरु है, पूरे ब्रह्मांड के संतति का मूल है गाय। और गुरु पूर्णिमा के दिन जो गाय का चंद्रमा के उजाला में रखा हुआ दूध, उसका दही बनेगा और उसका सुबह मक्खन बनेगा। वो मक्खन ब्रह्मचर्य के पालन के लिए विशेष है। जो कृष्ण भगवान खाते थे हमेशा पूर्णिमा का जो मक्खन है वही खाते थे, और पूर्णिमा का जो मक्खन है उससे घी बनता है, उसी दिन बन जाना चाहिए। और उस घृत जो है वो विशेष महत्व है, अपने शरीर का सारे विकारों को शांत करने वाला है। पूर्णिमा के दिन उपवास करना और सिर्फ दूध पे ही रहना, गाय के दूध पे, देसी गाय के दूध पे, तो वो एक विशेष प्रकार का कल्प है। और आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक ऊर्जा पाने के लिए पूर्णिमा का विशेष महत्व है। दोस्तों, पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है गाय के लिए, और उसमें भी गुरु पूर्णिमा जो साल में एक बार आता है। और गुरु पूर्णिमा का चंद्र जो है, उसी चंद्र की ऊर्जा में यदि रात में आप गाय को खुला रखते हैं तो उस गाय के अंदर इतनी शीतलता सांत्वना प्रदान होती है कि वो गाय हमेशा प्यार का, प्रेम का और तृप्तता का भंडार बनी रहती है। और उसी गाय के घी दूध खाने से इंसान के अंदर भी शीतलता प्रदान होती है। जो पूर्णिमा के दिन जो गाय चंद्रमा के उजाले में बैठती है, उस गाय का घी दूध दही मक्खन छाछ वगैरह खाने से शरीर के सारे विकार तो दूर होते, लेकिन मानसिक रूप से और एकदम शीतलता प्रदान होती है, शरीर के सारे विकार दूर होते हैं। और दोस्तों, मेरा ये सबसे बड़ा संदेश है कि दुनिया में दो ही गुरु है, एक गाय और एक गरीबी। इससे बड़ा दुनिया में कोई अपना गुरु हो ही नहीं सकता। तो आज सब मेरे दोस्तों और गोप्रेमी बंधुओं को गो माता की विशेषता के लिए मेरी ओर से ये गुरु पूर्णिमा की विशेष शुभकामना के लिए ये शुभ संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइए, और इसका विशेष महत्व जो है वो आप समझिए और भी लोगों को समझाइए, ऐसी आपसे विनती है। जय गौ माता।